सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैड ज़ोन। मैं सुरन शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल नोमैड ज़ोन पे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी वृंदावन की होली, और आज है डे टू वृंदावन में और हम खेलेंगे आज वृंदावन में होली। सो गाइस होम स्टे से निकलने के बाद मैं सीधे चला गया वृंदावन, जहाँ पे मैंने कुछ दोस्त बना रखे थे, तो उनसे मेरी मीटिंग हुई प्रेम मंदिर के पास। और फिर प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल सिंस उस टाइम बंद रहता है, तो हम लोग के पास क्या ये सबके पास एक ही ऑप्शन था कि बांके बिहारी टेम्पल जाए, तो हम लोगों ने पैदल ही डिसाइड किया बांके बिहारी टेम्पल जाए। इस्कॉन टेम्पल के पास हम लोग खेल रहे हैं होली, काफ़ी अच्छा माहौल है। और ये हमारे कुछ दोस्त जो कि हमें मिले थे कल, और हम इन लोग के साथ ज्वाइन हो चुके हैं और इन लोग के साथ खेल रहे हैं पूरी होली। गाइस मैं आपसे सजेस्ट भी करूंगा कि आप पैदल ही जाएं, क्योंकि ई रिक्शे वालों की तो हालत ही ख़राब कर रखी थी लोगों ने। अगर जो आप ई रिक्शा जाते हैं तो अपने सारे पार्ट्स को ढक लें अच्छे से, वरना आपके आँख नाक मुंह कान कहीं पे भी गलत जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग पैदल चलते हैं उनके हाथ में अबीर रहती है और वो पूरा अबीर जो है लोगों के ऊपर बरसाते रहते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पैदल ही जाएं, ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर होगा, और आपको रास्ते में मज़ा आएगा, क्योंकि ई रिक्शा भी ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी, वो आपको गेट के पास से बहुत पहले ही छोड़ देगी, तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ई रिक्शा से जाएँ।
वहाँ पे जाने के बाद हम लोग पहुँचे मंदिर के पास, और भाई साहब मंदिर की भीड़ तो लाजवाब, वो आप वीडियो में देखिए आपको पता चल जाएगा कि मंदिर के पास कितनी भीड़ थी। और किसी तरीके से हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किया, और फिर रास्ते में नाचते गाते इंजॉय करते हुए हम लोग जो है वापस आए। सो गाइस, मंदिर से वापस आने के बाद हम लोगों ने रास्ते में थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, और फिर उसके बाद हम लोग का सर बॉडी पूरा जो है थक चुका था। 12 बज चुके थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब थोड़ा चल के रेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद रूम पे जाने के बाद हम लोग को इतनी अच्छी नींद आई कि हम लोग सो गए, शाम हो गई, और फिर शाम को हम निकल गए अपने घर की तरफ वापस। काफ़ी सारी मेमोरीज लेके मैं वापस अपने घर की तरफ निकल लिया। और गाइस, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और अगर जो आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इस चीज़ की, तो आप जाएं और पूरी प्लेलिस्ट चेक करें, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा जिसमें मैंने आगरा, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन सब कवर किया है, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो देख के। तो प्लीज़ गाइस जाएं और वीडियो को पूरी तरीके से देखें।